नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपसे बात करने वाले व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि जो व्हाट्सएप में नया क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है, इसके क्या कैसे यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदे इसके, कैसे यूज़ करना है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आप उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप है। तो फ्रेंड्स, आपके पास क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप क्या करिए, पहले सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, अपना व्हाट्सअप अपडेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपडेट करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस है, आपको व्हाट्सअप ओपन करना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद जो थ्री डॉट है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करना है, और जो सेटिंग्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल रहा है क्यूआर, जो क्यूआर कोड जिसका आइकॉन मिल रहा है उस पर क्लिक करना है। ये नया फीचर से आपके पास, देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या होगा कि यहाँ से आप अपना क्यूआर कोड किसी को भी भेज सकते हैं। यानी क्यूआर कोड से क्या होगा, इसके क्या कैसे यूज़ करना है बताने वाला हूँ। तो क्या क्यूआर कोड आखिर किस लिए है, तो पहले बताता हूँ फ्रेंड्स। ये क्यूआर कोड इसलिए है कि फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप पहले आपको आप आपका व्हाट्सएप नंबर किसी फ्रेंड को बताना पड़ता था, उसे सेव करना पड़ता था, फिर ही आपको मैसेजेस भेज सकता था ऐसे। यानी आपको दूसरे को मैसेज भेजना है तो आपको क्या करना है, उसका नंबर सेव करना है। तो फ्रेंड्स, आप इजीली, व्हाट्सएप ने नया अपडेट दिया है कि आप अपना क्यूआर कोड किसी को शेयर भी कर सकते हैं। यानी क्यूआर कोड शेयर करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आपको शेयर करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या होगा कि जो आपका नंबर है, किसी बंदे को सेव करने की ज़रूरत भी नहीं, और आपको किसी का नंबर आपके पास सेव होने की ज़रूरत भी नहीं। आपको क्या करना है कि आपका आपको किसी का न, किसी को मैसेज भेजना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सी स्कैन कोड पर क्लिक करना है। स्कैन कोड पर क्लिक करने के बाद जो आपका उसका उस बंदे का सेटिंग्स में जाना है, और जो क्यूआर कोड का ऑप्शन है उसे उसको उस क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो आपके पास क्यूआर कोड उस बंदे ने भेजा है, आपके पास इमेज है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं गैलरी में जाके वो इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ली है क्यूआर कोड की। तो यहाँ से लेने के बाद डायरेक्टली आप देख सकते हैं उसका नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली उसके जो प्रोफाइल है उसके इंटरफेयर में जाएंगे, और आप यहाँ से डायरेक्टली उसको मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।